अभी तक चंद्रयान 3 के तहत भेजे गए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर तमाम डाटा शेयर कर रहे थे, जिससे चांद की सतह पर नई नई बातें पता चल रही थीं। अब विक्रम लैंडर ने ऐसी खोज की है जिससे तमाम लोग हैरान रह गए हैं। इससे पहले प्रज्ञान रोवर के भेजे वीडियो सुर्खियां बटोर रहे थे। चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम जैसी चीज़ों के बारे में प्रज्ञान रोवर ने जानकारी दी थी। रोवर से मिली इन जानकारियों से इसरो के वैज्ञानिक उत्साहित हैं। अभी रोवर और लैंडर से लगभग 5 सितंबर तक और भी डाटा आने का अनुमान है। इसी बीच गुरुवार को विक्रम लैंडर ने ऐसा रिकॉर्ड भेजा जो चांद के बारे में अब तक की सबसे नई जानकारी है। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कंपन को रिकॉर्ड किया है। लैंडर पर तमाम उपकरण लगे हैं जो चांद के पर्यावरण, वहाँ के तापमान आदि के बारे में डेटा भेज रहे हैं। अब उन्होंने चांद की सतह पर हलचल या वहाँ के कंपन को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो सतह पर होने वाली गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हीं इक्विपमेंट ने चांद पर कंपन यानी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। चांद पर होने वाली सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिली है। इसरो ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चांद पर जो वाइब्रेशन यानी कंपन पता चला है वह दरअसल 26 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि वाइब्रेशन शुरू कहां से हुआ और इसकी वजह क्या रही होगी। इसरो ने बताया कि लैंडर में लगे इल्सा उपकरण का काम चांद पर भूकंप, उसके असर, अन्य घटनाओं के कारण होने वाले कंपन का पता लगाना है। इसके अलावा चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद प्लाज्मा कणों की भी जाँच कर चुका है। चांद के साउथ पोल एरिया में यह प्लाज्मा पार्टिकल्स मौजूद हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से 5 सितंबर तक क्या क्या जानकारी मिलती है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद इन उपकरणों के काम करने की उम्मीद नहीं है। इसरो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अधिकतम 5 या 6 सितंबर तक ही काम कर पाएंगे। दरअसल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों में सोलर पैनल लगे हैं, इसी की एनर्जी से ये काम करते हैं। जब तक धरती पर 14 दिन रात बीतते हैं तब तक चांद पर एक दिन रहता है, और जब तक धरती पर अगले 14 दिन बीतते हैं तब तक चांद पर एक रात रहती है। ऐसे में जब चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी तब चांद पर दिन शुरू हो रहा था और सूरज की रोशनी से चंद्रयान 3 ने काम करना शुरू किया था। 5 सितंबर तक चांद पर सूरज की रोशनी रहेगी, तब तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर काम करते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होगी और रात शुरू होगी, उसके बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर तभी तक काम करेंगे जब तक उनके पैनल चार्ज रहेंगे। फिर रात बीतने के बाद वो दोबारा दिन होने पर काम कर पाएंगे या नहीं, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिलहाल चांद पर मिली कंपन के रिकॉर्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।